मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत मैंने आपको वचन की परिभाषा और वचन के कितने भेद होते हैं मैंने बता दिया था। अब आज हमारा जो टॉपिक है वो है वचन और वाक्य। वाक्य बनाना आप सभी जानते हैं, लेकिन जब आप वाक्य में वचन का प्रयोग करते हैं तो उसमें कुछ परिवर्तन आ जाते हैं। उन्हीं परिवर्तनों को मैं बताने के लिए ये मैंने वीडियो बनाया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो वचन और वाक्य में क्या अंतर आता है वो बता देता हूं। वचन के अनुसार वाक्यों का रूप बदल जाता है, यानी जब आप एक वचन और बहुवचन का प्रयोग करेंगे तो वाक्यों का जो स्वरूप होता है यानी जो उनका अर्थ निकलता है वो बदल जाता है। साथ में उनकी जो मूल तत्व होता है उसमें भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे मैंने यहां पे लिखा है एक वाक्य, बेटा पढ़ रहा है। ये किसमें है बेटा? एक वचन, यानी कोई भी एक बेटा होगा जो पढ़ रहा है। अब मैं इसको बहुवचन में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा मैं? बेटे पढ़ रहे हैं। तो यहां पर आप देख रहे होंगे जैसे ही मैंने बेटा का बहुवचन लिखा तो वाक्य में पढ़ रहा से हो गया पढ़ रहे हैं। यानी आप बहुवचन का या एक वचन का प्रयोग करेंगे तो वाक्यों का अर्थ भी बदल जाता है। ठीक है, तो बेटा पढ़ रहा है जब इसका बहुवचन बनाएंगे तो हो जाएगा बेटे पढ़ रहे हैं। ठीक, अब मैंने यहां पर कुछ छह उदाहरण लिखे हुए हैं। इनको जानने के बाद आपको समझ में जाएगा कि एक वचन बहुवचन का जब भी हम प्रयोग करेंगे तो वाक्य बनाने में हमेशा यह ध्यान रखेंगे कि उसमें परिवर्तन हमें करना है। ठीक है, और साथ में जब आगे वाली क्लास होगी तो उसमें आप ये गलतियां दोहराएंगे नहीं। ठीक है, तो लिखा है मीना ने माला पहनी। तो आप यहां पे समझ जाएंगे कि मीना एक किसी लड़की का नाम है, ने माला पहनी। तो यहां पर जो शब्द है माला, ठीक है, मैं यहां अंडरलाइन किया हुआ है, तो माला समझ गए। अब मैं ये एक वचन वाले शब्द है, अब मैं इसका बहुवचन बनाऊंगा तो लिखा है मीना ने मालाएं पहनी। तो यहां मैंने माला का क्या कर दिया? बहुवचन, माला का मालाएं। तो यहां पे अर्थ निकल गया कि माला ने एक माला पहनी थी और यहां पर मीना ने मालाएं पहनी है, इसका अर्थ निकल गया कि मीना ने बहुत सारी मालाएं पहनी हुई है। इसके बाद दूसरा है आम बहुत मीठा है। अगर कोई बोलता है आम बहुत मीठा है, इसका मतलब होता है वो किसी एक आम की बात कर रहा है। तो मैं यहां पर ये अंडरलाइन भी कर दूंगा मीठा। अगर यहां लिखा है आम बहुत मीठे हैं, मीठे हैं का मतलब क्या हुआ कि आम कितने हैं? बहुत सारे हैं। आम का आम है नहीं हो सकता। कुछ हमारे वचन ऐसे होंगे जो हमेशा एक वचन में ही रहते हैं, कुछ ऐसे वचन होते हैं जो हमेशा बहुवचन में भी रहते हैं, वो आगे आने वाली कक्षा में हम सीखेंगे। तीसरा वाला वाक्य है डिब्बे में चीनी है। डिब्बे में चीनी है, यहां लिखा है डिब्बों में चीनी है। तो आप समझ गए होंगे यहां पर डिब्बे और यहां डिब्बों, एक डिब्बे की बात हो रही है और यहां पर बहुत सारे डिब्बों की बात हो रही है। यहां पर शब्द है चीनी और यहां पर भी शब्द है चीनी। चीनी का बहुवचन नहीं बनता, चीनी का चीनी ही रहता है। उसके बाद रजनी ने स्वेटर खरीदा। ठीक, और यहां लिखा है रजनी ने स्वेटर खरीदे, तो यहां पर खरीदेगा क्या हो गया? खरीदे, लेकिन यहां पर क्या हुआ? स्वेटर का स्वेटर ही रहा है ना। तो स्वेटर जो शब्द है वो इंग्लिश वर्ड है। ठीक है, अब पांचवा, राजू ने केला खाया। यहां लिखा है राजू ने केले खाए, तो यहां पर एक शब्द हो गया केला और यहां पे हो गए केले, यानी यहां पर बात हो रही है एक केले केला की, उसके बाद केले यानी बहुत सारे केले। साधना की सहेली आई, साधना की सहेलियां आई, तो सहेलियां हो गया बहुवचन, सहेली हो गया एक वचन। यहां पर एक सहेली की बात हो रही है और यहां पर सहेली यानी बहुत सारी उसकी जो दोस्त हैं वो आई। तो ये कुछ वाक्य थे जिनसे आप समझ गए हैं कि वचन जब भी हम प्रयोग करेंगे वाक्य में तो वाक्य का अर्थ भी बदलेगा और वाक्य में कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर होगा। धन्यवाद।